वाराणसी में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक के दौरान क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बाहुल्य पार्टी है। जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देता है, निचले स्तर तक का कार्यकर्ता उसका पालन करता है। और आज का ये विशेष अवसर इसलिए भी है कि काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के लिए, कौशल के लिए जाना जाता है। और इसके जो भी जिले यहाँ पर आज आ रहे हैं, उनके पदाधिकारी, निचले स्तर तक के पदाधिकारी आज मिलेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग आ रहे हैं। तो आज निश्चित रूप से एक नया संदेश नीचे तक कार्यकर्ताओं में जाएगा काम करने का। राशिद अलवी का जो बयान आया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं समझता हूँ कि जो छोटी सोच लोगों की होती है, इस प्रकार की बयान देख के, भड़काऊ बयान के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन करने का सपना देखने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ उनकी पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए कि आप राम जी को अगर आरोपित कर देंगे, अगर आप इस भारत की संस्कृति को आरोपित कर देंगे, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। एक दल एक दूसरे दल के नेता को कह सकता है, लेकिन जो हमारी आस्था है उस पर चोट नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम का ये कहना है कि राशिद अलवी के खिलाफ उनकी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।